कर दे। हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज है हमारे पास ट्राइम्प स्पीड 400 और ग्रीलिया मोस्ट डिमांडेड जो कंपैरिजन वीडियो हम डालेंगे आज यूट्यूब पे। आपको ऐसा वीडियो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो गाइस, अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो आप मेरे कंटेंट की क्वालिटी डिसाइड करेंगे, तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर्विस कॉस्ट की। इसकी सर्विस फ़र्स्ट सर्विस कितने की होती है और इसकी कितनी? इसकी फ़र्स्ट सर्विस ग्रीलिया की जो आपकी होएगी वो होएगी आपकी 1403 रुपए की। उसमें आपको 2.1 लीटर इंजन ऑयल डलेगा और आपका इंजन ऑयल फिल्टर चेंज होगा इसके अंदर। वहीं ट्राइम्प स्पीड 400 के अंदर आपका एयर फिल्टर चेंज होगा 2 लीटर। इसमें 2.1 लीटर ऑयल आता है इंजन ऑयल, और इसमें 2 लीटर आता है, और इसके अंदर आपका इंजन ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा। तो ये था, इसकी सर्विस कॉस्ट पड़ती है 1800 रुपये, इसकी पड़ती है 1403 रुपये। तो सर्विस के हिसाब से ये इकोनॉमिकल है। तो ये ग्रीलिया की सर्विस के बारे में था, जो अभी हमने इसकी फ़र्स्ट सर्विस करवा चुके हैं, हम इसको 1000 किलोमीटर कम्प्लीट हो चुके हैं। तो गाइज, अब ये दो इतनी अल्टीमेट मशीन, ये कौन से इंजन ऑयल पर रन करती है, ग्रेड बताता हूँ मैं। इसके अंदर 10W40 यूज़ होता है, इसमें कोई प्रॉपर मेंशन नहीं, आप कैस्ट्रोल या कुछ भी डाल सकते हैं। इसका रॉयल इनफील्ड ने, अभी हमने मैनुअल वगैरह कुछ पढ़ा नहीं है, तो अभी हमने रॉयल इनफील्ड से ही डलवाया है। इसमें भी 10W40 डल, तो ये इंजन ऑयल इन दोनों बाइक में यूज़ होते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं कि सस्पेंशन किसके बेटर हैं, स्पीड ट्राइम स्पीड 400 के या आपकी ग्रीलिया की। तो अब सस्पेंशन की हम बात करते हैं कि सस्पेंशन कौन सी में क्या ऑफर किए गए हैं। तो इसका सस्पेंशन फ्रंट है टेलीस्कोपिक शोवा का, और वहीं आप इसका रियर सस्पेंशन मोनोशॉक है। स्पीड 400 और ग्रीलिया के रियर सस्पेंशन की जो लोकेशन है, पोजिशन है, वो डिफरेंट है। इसमें आप देखेंगे, थोड़ा यहाँ से आप लोगे तो आप देखोगे कि इसका सेंटर में है रियर सस्पेंशन, ठीक है। और अब मैं आपको ट्राइम स्पीड 400 का पहले रियर सस्पेंशन दिखाता हूँ, जो मोनोशॉक है और 10 स्टेप एडजस्टेबल है। तो इसकी आप पोजीशन देखेंगे, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड लीन है। तो ये ग्रीलिया और ट्राइम स्पीड 400 में डिफरेंस है कि इसका सस्पेंशन लेफ्ट साइड लीन है और उसका सेंटर्ड है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करते हैं कि ट्राइम स्पीड 400 में जो फ्रंट सस्पेंशन है वो USD है। तो USD और टेलीस्कोपिक और जो सस्पेंशन की ट्यूनिंग में है, तो अब मैं आपको एक जेन्युइन रिव्यू बताता हूँ। ये मैंने एक साल में 14,000 किलोमीटर चला ली है, और ये मैंने 500-600 किलोमीटर चलाई है। तो अब मैं आपको बता सकता हूँ, सस्पेंशन वाइज अगर आप बाइक लेने जा रहे हैं तो कौन सी बेस्ट है। भाई, ट्राइम स्पीड 400 का सस्पेंशन इससे फार बेटर है। तो सस्पेंशन के मामले में ट्राइम स्पीड 400 इसको बीट कर देगी। तो ये था मेरा सस्पेंशन को लेके एक ओवरव्यू, जो इस की मेरे को सस्पेंशन कौन सी बाइक के अच्छे लगे। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज कौन सी अच्छी है। तो देखो, एक ट्राइम स्पीड 400 में चेन टेंशन कौन सा है, KTM 390 वाला, जो KTM वाला चेन टेंशन इसके अंदर डला हुआ है, उसके साथ इशू क्या है कि वो बहुत जल्दी ख़राब होता है, क्योंकि वो है नॉर्मल जो स्प्रिंग वाला चेन टेंशन होता है। और अब मैं आपको उसकी पोजीशन दिखाता हूँ। चेन टेंशन इसका यहाँ कुछ है, इस साइड अगर आप देखेंगे तो इसका चेन टेंशन इस साइड है। तो अब वहीं इस ग्रीलिया के अंदर एक टेक्नोलॉजिकल चेंज जो किया है एडवांसमेंट, इस शेरपा इंजन के साथ जो रॉयल इनफील्ड ने कमाल किया है, कि आपको चेन टेंशन वाला इशू आएगा ही नहीं कि चेन टेंशन ख़राब होगा, आपको चेंज कराना है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिक मैकेनिकल चेन टेंशनर है। गाइज, ये देखिए, ये ओल्ड स्टाइल वाला नहीं है, जो स्प्रिंग वाले होते हैं और जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो ये एक एडवांसमेंट जो इसके शेरपा इंजन के साथ रॉयल ग्रीलिया में रॉयल इनफील्ड ने किया है, वो टॉप नोच है। तो इसमें चेन टेंशन के मामले में, क्योंकि ये आपको अगर आप खरीदेंगे तो आप थोड़ा 6-7 महीने चलाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये इशू ट्राइम स्पीड 400 में बहुत सारे कस्टमर्स को आ रहा है। और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि इंजन की जो नॉइज़ है वो अजीब सी हो जाती है, और जैसे ही चेन टेंशन चेंज होता है तो वो रिस्टोर हो जाती है अपनी ओरिजिनल साउंड पे। तो ये इशू इसके अंदर आएगा ही नहीं। तो चेन टेंशनर में जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ग्रीलिया के अंदर। तो गाइज, अब हम अपने फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं कि फिफ्थ पॉइंट हमारा है क्या। देखो, 450 cc का इंजन ये है, 400 cc का इंजन ये है, तो इतने हाई परफॉर्मेंस इंजन है ये, बहुत आपको मज़ा आ जाएगा। परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, ये परफॉर्मेंस देगी आपको 3000 rpm के बाद, जैसे डीजल गाड़ी का एक सेट होता है उसके बाद वो अपना असली थ्रस्ट दिखाती है, तो उसी तरह से ये अपना थ्रस्ट 3000 rpm के बाद दिखाएगी, ये दिखाएगी 2000 rpm के बाद। तो अब हम इस इतनी पावरफुल मशीन्स को रोकने के लिए ट्राइम्प ने और रॉयल इनफील्ड ने क्या क्या स्टॉप इनको रोकने के लिए, कि राइडर को परेशानी ना हो अगर पैनिक सिचुएशन में, तो क्या क्या ऑफर किया गया है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ, बोथ
बाइक्स के अंदर ड्यूल चैनल ABS है, वाइब्रे के कैलिपर हैं। अब मैं आपको फर्स्ट बात नोटिस कराता हूँ, जो डिफरेंस है ट्राइम स्पीड 400 में और गरीलिया के फ्रंट डिस्क में, फ्रंट ब्रेक्स में। तो एक बारी साहिल भाई थोड़ा सा आगे आओ और ये वाला पॉइंट दिखाओ कि जो ट्राइम स्पीड 400 का है ये अलग से यहाँ पे माउंट कर रखा है इस पे, और वहीं आप गरीलिया में दिखाता हूँ आपको, वो ओल्ड स्कूल है। गरीलिया में अगर आप देखेंगे तो ऐसे यहाँ पे ऐसे अलग से कोई माउंट नहीं कर रखा। तो ये एक टेक्नोलॉजी होती है, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। तो ट्राइम स्पीड 400 में थोड़ा सा अलग से ही उसको एंगल के साथ सेट किया गया है, वहीं गरीलिया में ओल्ड स्कूल स्टाइल है फ्रंट में। अब मैं ब्रेक्स की बात करता हूँ कि ब्रेक्स में एक मेजर डिफरेंस क्या है। ट्राइम स्पीड 400 में जो फ्रंट आपका ब्रेक पैड है वो है सिंटर का, इसके अंदर सिंटर ब्रेक पैड है। वहीं अब मैं आपको रियर में लेके चलता हूँ, रियर में जो इसका ब्रेक पैड है वो है इसका ऑर्गेनिक। डिफरेंस क्या होता है, ऑर्गेनिक 350 रुपये का होता है और जो सिंटर है वो 2800 रुपये के आसपास आपको कॉस्ट पड़ते हैं। बट जो ब्रेकिंग बाइट है सिंटर टॉप नॉच, बट सिंटर के साथ दिक्कत क्या है कि वो पानी अगर बाइक में, अगर आपके ब्रेक पैड पे पानी है लग गया तो वो नॉइस करेगा। वहीं अब आप मैं गरीलिया को दिखाता हूँ, गरीलिया में क्या डिफरेंस है। गरीलिया के जो ब्रेक पैड्स हैं फ्रंट भी सिंटर्ड है और जो रियर है वो भी सिंटर ब्रेक पैड है। तो अब हम ब्रेक्स में बात करते हैं कि ब्रेकिंग पंच किसका है। देखो मैं ये बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से बता रहा हूँ, आप ये खुद फील कर सकते हैं और आप मैच करिए क्या हम झूठ बोल रहे हैं या सच, और कमेंट में मेंशन करना। अगर ब्रेकिंग बाइट कह रहे हैं तो आपको लगता होगा कि रियर में ऑर्गेनिक है 250-300 रुपये वाला और फ्रंट में सिंटर, बट ब्रेकिंग बाइट में अगर मैं बात करूँ तो ट्राइम स्पीड 400 गरीलिया से फार बेटर है। मेरे को इस बाइक में 450 cc की इतनी पावरफुल बाइक को रोकने के लिए जो इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो इतनी खास लग ही नहीं रही, वहीं ट्राइम स्पीड 400 की ब्रेकिंग जो बाइट है टॉप क्लास है। तो ब्रेकिंग के मामले में मैं ऑर्गेनिक होने और सिंटर का जो कॉम्बिनेशन है उसके बाद भी इतनी अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जो ट्राइम स्पीड 400 प्रोवाइड कर रही है, गरीलिया में ये आपको ब्रेकिंग उस लेवल की फील ही नहीं होगी। तो 450 cc के हिसाब से इसके अंदर ब्रेकिंग उस लेवल की नहीं है। अब मैं जो पूरी दुनिया पूरा YouTube भरा पड़ा है भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर है इसके अंदर नहीं है, एक डिफरेंस तो ये सब ने गा दिया है। अब मैं बताता हूँ कि इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल अगर नहीं है चलेगा भाई, क्योंकि ये PM के बाद अपना रौद्र रूप दिखाती है। वहीं इसके साथ इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 2000 RPM के बाद अपना रौद्र रूप दिखाने लग जाती है। स्पीड 400 में क्या है वो स्लीपर क्लच है। स्लीपर क्लच से क्या होता है कि अगर आप हाई स्पीड पे हैं, आप ब्रेकिंग भी करेंगे और आप एकदम फिफ्थ गियर से सेकंड गियर पे आएंगे तो आपका टायर लॉक नहीं होगा। तो 400 cc के हिसाब से रोकने के लिए इसमें ब्रेकिंग सिस्टम, जो इस 400 cc के पावर हाउस को रोकने के लिए ट्राइम ने सिस्टम प्रोवाइड किया है वो टॉप नोच है। मतलब ये बाइक हर वे से हर एंगल से रुक सकती है पैनिक कंडीशन में। वहीं गए आपको किस चीज़ की, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं चाहिए भाई, बस हमें चाहिए स्लीपर क्लच। स्लीपर क्लच इस बाइक में क्यों ज़रूरी है कि आप ब्रेक करेंगे, दोनों ब्रेक आपने फुल प्रेस कर दिए पैनिक सिचुएशन में, और स्लीपर रॉयल इनफील्ड ने इसमें स्लीपर क्लच प्रोवाइड करवा के भाई इसकी जो ब्रेकिंग है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा दी है। तो ये 450 cc का दानव रोकने के लिए स्लीपर एंड असिस्ट क्लच बहुत ज़रूरी है, जो रॉयल इनफील्ड ने इसके अंदर प्रोवाइड करा दिया है। तो भाई दोनों बाइक्स के अंदर स्लीपर एंड असिस्ट क्लच है तो दोनों मशीन्स को रोकने के लिए वो बहुत मस्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि इतनी पावरफुल मशीन है भाई, ये आपकी जान ले लेगी इतनी ज़बरदस्त, अगर ये टाइम से नहीं रुकी तो। ये इतनी टॉप क्लास मशीन है ये था, और ट्रैक्शन कंट्रोल हो या ना हो वो चले। तो ये है गरीलिया और ये है ट्राइम स्पीड 400। अब मैं एक ऐसा डिफरेंस बताता हूँ जो वैलिड है और जो बनता भी है। क्या है वो कि भाई 400 cc के इंजन, 400 cc कैपेसिटी के साथ ये बाइक है और 13 लीटर का फ्यूल टैंक है। अगर आप इसको बिल्कुल रफ चलाओगे ना तो मैं बता रहा हूँ कि ये एवरेज देगी आपको 20 से 22 की हार्डली। अगर आप इसको एक्सेलरेट करोगे, फिर उठाओगे, फिर छोड़ोगे, मतलब इसके साथ पूरा गेम करोगे तो ये 20-22 की एवरेज देगी। 400 cc के साथ 13 लीटर का फिर भी मेरे को कम लगता है, मैंने इतनी चला ली है बाइक, फिर भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं सिटी वाइज ये टैंक कैपेसिटी कम है, 15 लीटर एटलीस्ट होना चाहिए था। भाई इसमें तो बवाल ही काट दिया है, इसमें बवाल क्या काट दिया गरीलिया में रॉयल इनफील्ड वालों ने कि यार 450 cc के साथ आप केवल 11 लीटर का टैंक दे रहे हो, 11 लीटर में बंदा इसको चलाएगा, अगर आपने इसको 450 cc को दिन रात आपने इसको पूरा रगड़ दिया है तो 11 लीटर में ये क्या तो एवरेज देगी आपको। तो मेरे को लगता है कि जो इसका एक सबसे बड़ा कमी
तो मेरे को इसमें एक ज़बरदस्त कमी यही लगी कि ये 11 लीटर फ्यूल टैंक के साथ आती है। तो 11 लीटर फ्यूल टैंक अगर आप इसको हार्ड एक्सेलरेट करोगे तो मैं कह रहा हूँ कि 18 से ऊपर की एवरेज देगी नहीं, हार्ड बिल्कुल आप इसको हार्ड एक्सेलरेशन पे लेके जाओगे। तो 11 लीटर के हिसाब से इसके अंदर टैंक कैपेसिटी बहुत कम है। ये था मेरा कि ट्राइम स्पीड 400 400 cc के हिसाब से 13 लीटर और ये 450 cc के हिसाब से 11 लीटर, तो ये कहीं ना कहीं फेवर में नहीं जा रहा है गरिलिया के। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ट्राइम स्पीड 400 ठीक लगती है। तो अब हमारा सातवां डिफरेंस क्या है ट्राइम स्पीड 400 में और गरिलिया में? तो हमारा सातवां पॉइंट का डिफरेंस क्या है कि भाई गियर शिफ्टिंग किसकी स्मूथ है, क्योंकि बहुत मैटर करती है। ये मैंने 14,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ इसकी गियर शिफ्टिंग क्या है कि अगर आप इसको 5-6,000 किलोमीटर चला लोगे तो इसके गियर्स जो हैं हार्डर साइड हो जाते हैं। गियर की स्मूथनेस इस बाइक में थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज साइड है इन कंपेरिजन टू गरिलिया। तो एक बारी मैं आपको अब गरिलिया की तरफ लेके चलता हूँ और अब गरिलिया का गियर जो शिफ्टिंग है उसकी बात करते हैं कि भाई गरिलिया की गियर शिफ्टिंग कैसी है। भाई इतनी स्मूथ है ना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो गियर शिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कोई सोच रहा हूँ बाइक लेने की, तो भाई गरिलिया ट्राइम स्पीड 400 को किल कर रही है। तो इसमें 5,000 किलोमीटर के बाद बार बार गियर आपको बहुत शिफ्टिंग जो है हार्ड हो रही है। बट अब तक हमने गरिलिया को 400-500 किलोमीटर चला चुके हैं, ऐसी सच कोई प्रॉब्लम नहीं है गियर शिफ्टिंग की, स्मूथ सुपर स्मूथ गियर शिफ्टिंग है। और गियर शिफ्टिंग के मामले में मैं गरिलिया को पूरे पॉइंट्स दूंगा, वहीं ट्राइम स्पीड 400 बहुत पीछे रह जाती है इस मामले में। तो आठवें पॉइंट पर बात करते हैं हम कि ट्राइम स्पीड 400 और गरिलिया में और क्या डिफरेंस आपको फील होगा। भाई अगर आप किसी को सिटी में चलानी है ना, ये बाइक क्या है, इस बाइक को आप 30 की स्पीड पे फोर्थ गियर में हो, इंजन 1% भी नॉकिंग नहीं करेगा। और 50 की स्पीड पे या 60 की स्पीड पे आप सिक्स्थ गियर में हो, तब भी इसका इंजन नॉक नहीं करेगा। भाई इसके साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपको बैक टू बैक गियर शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। इसका रीज़न क्या है, इसका लो एंड टॉर्क में जो है ये बहुत ख़राब है, क्योंकि अगर मैंने देख चलाई जब ये बाइक 70 पे, जब मैं सिक्स्थ गियर में हूँ तो इंजन वियर्ड नॉकिंग कर रहा है, अजीब सी साउंड आपको फील होगी। वहीं ये बाइक आप चलाएंगे, आप टेस्ट राइड खुद लिए 70 पे करके और सिक्स्थ गियर में रहिए, कोई भी इंजन नॉकिंग नहीं, ये 50 से भी सिक्स्थ गियर में उठ जाएगी। बट इसके अंदर तो इंजन नॉकिंग आपको फील होगी, तो सिटी के पर्पज़ से ये आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराएगी। वहीं आप इसमें गियर शिफ्टिंग करते रहेंगे तो लो एंड टॉक के मामले में ट्राइम स्पीड 400 एक तरफा जीत गई है, ये बहुत पीछे है। लो एंड टॉक की जो ECU की जो मिसमैचिंग इसके अंदर है, तो ये बहुत पीछे है। तो इसमें लो एंड टॉक में मैं ट्राइम स्पीड 400 के साथ जाऊंगा। तो गाइज आप ट्राइम स्पीड 400 और इसमें गरिलिया में एक डिफरेंस क्या मैंने देखा, जो आपको चेन ल्यूब जो है इन बाइक्स के अंदर आपको बैक टू बैक चेन ल्यूब करनी पड़ेगी। और भाई बारिश में आप इन बाइक्स को चलाएंगे तो ये चेन ल्यूब इतना खाएंगी, फ्यूल से भी ज़्यादा, पेट्रोल से भी ज़्यादा, आपको ये हर 300 किलोमीटर के बाद चेन ल्यूब करनी पड़ेगी आपको इन दोनों बाइक्स में, क्योंकि ये सुपर पावरफुल बाइक्स हैं तो इनकी चेन्स को अच्छा खासा चेन ल्यूब बार बार करना पड़ेगा, और रेनी सीजन में तो बहुत ज़्यादा। बट ट्राइम स्पीड 400 के साथ आपका खर्चा बढ़ जाएगा चेन ल्यूब का। भाई क्यों बढ़ जाएगा, इसलिए बढ़ जाएगा कि भाई इसके अंदर कोई स्लॉट ही नहीं है, मेन स्टैंड नहीं है, पैडो खरीदना पड़ेगा आपको। आपके लिए कंपल्शन है ये कि आपको 2300-2400 रुपये एक अच्छे से बढ़िया पैडो खरीदना पड़ेगा। वहीं इसके अंदर जो रॉयल इनफील्ड है, रॉयल इनफील्ड ऐसी बातों पे बहुत ध्यान दे रही है कि अपने कस्टमर को, उसके कस्टमर को बाइक खरीदने के बाद दिक्कत ना हो। तो इसमें चेन ल्यूब आप कर सकते हैं, क्योंकि अब देखना, अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर भाई ये देखो मेन स्टैंड ऑफर किया गया है। तो इसमें आपका 2200-2300 रुपया खर्चा सरासर बच रहा है और चेन ल्यूब करने में ये बहुत हेल्पफुल है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि कंफर्ट के मामले में चेन ल्यूब वगैरह इस टाइप की चीज़ों में ये बहुत अच्छी, जो रॉयल इनफील्ड ध्यान दे रहा है, तो ट्राइम्प इसमें अभी बहुत पीछे है और ये गरिलिया इस कम्फर्ट, इन छोटी छोटी कम्फर्ट्स के मामले में बहुत आगे है। तो ये था मेरा कम्फर्ट्स को लेकर, छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उसको लेकर, और मेन स्टैंड को लेकर कि मेन स्टैंड होना क्यों ज़रूरी है इन बाइक्स में। पंचर वंचर तो इनमें वैसे ही टाइप, वो ट्यूबलेस टायर्स हैं, वो कोई इशू नहीं है, बट चेन ल्यूब में ये बहुत हेल्प करेगा, इसके लिए आपको अलग से पैडो खरीदना पड़ेगा। तो अब हम दसवें पॉइंट पे बात करते हैं हमारे फिट एंड फिनिश के बारे में कि ट्राइम स्पीड 400 ने जो एक बेंचमार्क सेट किया था फिट एंड फिनिश को लेके, क्या जो इतना हु हल्ला यूट्यूब पे किया, क्या
इस फिट एंड फिनिश को कोई कंपीट करने के लिए मार्केट में आया है या नहीं। तो फिट एंड फिनिश में मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको नोटिस क्या करना है। वहीं हार्ले आप X440 में जाएंगे तो आपको उस बाइक्स की सेल ही बता देंगी कि वो क्यों पिटी है। मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आपको सरासर दिख जाएगा। तो फिट एंड फिनिश में क्या होता है, कवरिंग, इसमें प्रॉपर आपको कवरिंग मिलेगी, हर चीज़ पैक है, कहीं से भी आपको अनइवन वायरिंग वगैरह या कुछ इस तरह से इसमें आपको लटका नहीं मिलेगा। और जो पेंट क्वालिटी है, पेंट जो वगैरह है, वो बहुत फाइन क्वालिटी का इसमें ऑफर किया गया है। तो ट्रैक ने जो बेंचमार्क एक हू हल्ला मचा दिया था सेट करके, तो क्या रॉयल इनफील्ड के जो प्रोडक्ट्स में कोरोजन का जो इशू आता है, तो क्या उसकी भी बात करेंगे हम इसके बारे में। तो अब हम देखो, सबसे पहले मैं आपको इसका फिट एंड फिनिश दिखाता हूँ कि फिट एंड फिनिश होता क्या है। ये देखो, कहीं से भी आपको अनइवनिंग इवन वायरिंग, इसमें आपको एक्सपोजिव वायरिंग कोई भी नहीं मिलेगी इस बाइक के अंदर। वहीं अगर आप इसका पीछे से देखेंगे और पेंट जॉब वगैरह देखेंगे, पेंट जॉब में नोटिस करने की बात क्या होती है कि ये वेल्डिंग्स, ये वेल्ड जो जॉइंट्स हैं, ये भाई इतने टॉप नॉच क्वालिटी की वेल्डिंग्स हैं। मैंने बिलीव भी नहीं किया था कि रॉयल इनफील्ड इतना फाइन प्रोडक्ट आपको ऑफर कर देगा। तो मैं दूसरी साइड एक बारी आपको बोल रहा हूँ कि एक बारी दूसरी साइड से आएँ और फिर वहाँ से भी दिखाएं कि फिट एंड फिनिश और क्या होता है। फिट एंड फिनिश, ये देखिए वायरिंग्स, जो ये वायरिंग्स हैं बाइक की, वो इतनी प्रॉपर सर्किट्स के अंदर सेट की गई हैं कि मज़ा आ जाएगा। अब इंडियन मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट है जो ट्राई स्पीड 400 को टक्कर दे सकता है फिट एंड फिनिश में, तो वो है गरिल्ला, मैं एक तरफा कह सकता हूँ। और अभी क्या है कि मैं लॉन्ग टर्म के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो फर्स्ट मेरा व्यू है अभी 500-600 किलोमीटर जो मैंने इसको रन किया है, उसमें बता रहा हूँ कि फिट एंड फिनिश में बहुत फाइन क्वालिटी रॉयल इनफील्ड ने ऑफर कर दी है गरिल्ला में, टॉप नॉच क्वालिटी। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है, तो गोरिल्ला या गरिल्ला जो भी है, वट एवर, बट जो कंटेंट है वो फाइन मिलेगा आपको। और तो फिट एंड फिनिश इतना फाइन है, यहाँ से देखिए कोई भी, जैसे हार्ले डेविडसन में यहाँ से वायर निकली हुई थी, इस टाइप से कुछ था हू हल्ला, इसके अंदर प्रॉपर सब कुछ सेट है। और ये जो क्वालिटी है, टॉप नॉच क्वालिटी है, मैं कह सकता हूँ कि गरिल्ला एक तरफा एक साइड से कंपटीशन दे रही है, बराबर की बैटल चली हुई है दोनों बाइक में फिट एंड फिनिश के मामले में। तो फिट एंड फिनिश के मामले में ये दोनों बाइक्स एक इक्वल लेवल पे स्टैंड करती हैं, इतना अच्छा फिट एंड फिनिश है। लॉन्ग टर्म में आपको पता लगेगा कि किस में रस्टिंग है और किस में नहीं, तो फिट एंड फिनिश के मामले में दोनों इक्वल लेवल पे खड़ी हैं। तो हम बात करते हैं कि वेट के मामले में कैसी फील हो रही हैं दोनों बाइक। ये है 170 केजी की, ये है 185 केजी की। तो क्या है कि वेट, अब मैं बताता हूँ कि ट्राइम में और इसमें कौन से मेटल पार्ट्स हैं और कौन से फाइबर पार्ट्स हैं। तो एक बारी आपको थोड़ा सा क्लोज आना पड़ेगा और फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये भाई फाइबर है। अब ये चीज़ हम चेक करते हैं मेटल, ये चीज़ चेक करते हैं फाइबर, ये चीज़ चेक करते हैं फाइबर। तो अब वहीं ट्राइम स्पीड 400 में दिखाता हूँ मैं कहाँ कहाँ मेटल है और कहाँ कहाँ फाइबर है। ये चीज़ भाई फाइबर्स है, और ये भाई मेटल, ये चीज़ प्लास्टिक, और ये प्लास्टिक, यही प्लास्टिक। तो जो वेट मैनेजमेंट के लिए मेटल और फाइबर का यूज़ किया जा रहा है, और तब आपको वो इतनी पावरफुल फील हो रही है बाइक्स, तो वो इसी वजह से हो रही हैं कि मेटल का कम यूज़ करके केवल टैंक पे वो फाइबर्स ज़्यादा यूज़ करने लगी हैं आज कंपनियाँ। तो ये था मेरा एक कहाँ कहाँ मेटल यूज़ किया गया है, कहाँ कहाँ फाइबर दोनों बाइक्स में। अब मैं तेरह नंबर पॉइंट पे बात करता हूँ, जो आपको पूरे इंडिया पे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये बहुत इंटरनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि ये जो इंजन है इसके अंदर और इसके अंदर क्या है, जो मेरे को इसके अंदर की नॉलेज नहीं है, बट मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया है। जो शेरपा इंजन है इसके अंदर फ्रिक्शन कम करने के लिए एक टेक्नोलॉजी होती है DLC। DLC का मतलब क्या होता है, डायमंड लाइक कार्बन। वो क्या होता है कि जो आपके कैम शाफ्ट्स वगैरह हैं और जो इन सब पे एक कार्बन की कोटिंग होती है, उससे एडवांटेज क्या हुआ है इस बाइक के अंदर, वो रियलिटी में बताता हूँ। कि एक तो फ्रिक्शन कम होगा, और सेकेंड जो चीज़ जा रही है कि आपके वाइब्रेशंस जो रॉयल इनफील्ड ट्राई करना चाह रहा है कि बहुत कम हो जाएं, तो वो चीज़ इस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत कम हुई है। तो ये था मेरा 30 पॉइंट कि इसके अंदर इंजन के अंदर DLC कोटिंग आती है। वहीं ट्राइम स्पीड 400 के बारे में ये DLC कोटिंग वगैरह की हमें कोई इन्फो नहीं है, तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा। तो अब हम 14 नंबर पॉइंट पर बात करते हैं हमारी दोनों बाइक को लेकर, कि वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए क्या एफर्ट किए गए हैं। देखो, ट्राइम स्पीड 400 में वाइब्रेशंस के लिए अभी यहाँ पे ये नॉर्मल जो आता है कि इस टाइप से छोटा सा ये प्लास्टिक का है, और कुछ खास एफर्ट्स लग रहा है कि नहीं किए गए। वहीं रॉयल इनफील्ड क्या कर रहा है कि रॉयल इनफील्ड मास्टरी अटेन करना चाहता है हर चीज़ में, स्पेशली वाइब्रेशन को लेके जो क्रिटिसाइज रॉयल इनफील्ड का हो रहा है। तो इसमें क्या है, आप देखना कि ये अलग से ही
यहाँ पे नो पैड्स गुटके से टाइप लगा के प्लास्टिक के, वाइब्रेशन फील ना हो फुट पैड पे, बहुत कंट्रोल करने की ट्राई की गई है कि वाइब्रेशन ना फील हो। एक बार इस साइड से भी आप दिखाना कि वाइब्रेशंस कंट्रोल करने के लिए कितना एफर्ट रॉयल इनफील्ड ने गरिलिया में लगा दिया है, और कहीं ना कहीं ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है रॉयल इनफील्ड इस चीज़ को करने में। तो वाइब्रेशंस को कंट्रोल करने का अगर एफर्ट वाइज देखा जाए, और वैसे रियलिटी में भी ये चीज़ें वर्क कर रही हैं कहीं ना कहीं, तो गरिलिया में बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं रॉयल इनफील्ड ने, वहीं ट्राइम स्पीड 400 में ऐसे इस टाइप से कोई अलग से कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो मैं 15वें पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ आपको, और बात करता हूँ कि 15वें पॉइंट में मेरे में क्या मैं नोटिस करवाना चाह रहा हूँ डिफरेंस। देखो जो ब्रेक लीवर है इसका अच्छा वाइड है, इससे क्या होगा कि जो राइडर है उसकी ग्रिप है जो वो अच्छी खासी बनेगी, ठीक है। और वहीं अब गरिलिया में मेरे को लगा कि ये थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था रॉयल इनफील्ड को, जैसे आपका गियर का होता है वैसे ही ये एक छोटा सा है, तो यहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जो ग्रिप है वो स्किड कर सकता है पैर ब्रेकिंग करते हुए, तो बस ये एक मेरे को लगा कि फेवर में नहीं है गोरिल्ला की, और इतनी हाई परफॉर्मेंस बाइक के तो वो जो साइज़ है ब्रेक लीवर का, सॉरी ब्रेक जो पैड है उसका इंक्रीज़ करना चाहिए था। तो ये है एक डिफरेंस, और जो ट्राइम स्पीड 400 और जो प्रैक्टिकल भी है कहीं ना कहीं है। तो मैं अपने 16वें पॉइंट पे एक ध्यान दिलवाना चाह रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कम है, कि ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, तो एक ट्रैक्शन कंट्रोल ना होना, इलेक्ट्रॉनिक्स कम होना, ये कहीं ना कहीं नॉन सुटेबल बात है जो आपको मार्केट में गलत तरीके से बताई जा रही है। इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल होने का एक लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है कि ये 2000 और 6000 RPM के बीच में अपनी 80% पावर को बाहर निकाल के फेंक देती है, तो इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल होना इसलिए ज़रूरी है। वहीं इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ये 3000 RPM के बाद अपनी रियल पावर दिखाती है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर एक रीज़न हो रहा है कि इसका 14 किलो वेट भी तो ज़्यादा है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल की इस प्रोडक्ट के अंदर इतनी खास ज़रूरत है नहीं, वहीं इसके अंदर है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल जो ये चली हुई है YouTube पे कि ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है तो उसकी कोई खास जरूरत है भी नहीं इस प्रोडक्ट के अंदर। अब हम अपने 17 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं कि टायर साइज, ये बाइक क्यों फेमस है पूरी अब तक की मार्केट में, भाई चौड़े टायर, जो इंडियंस को एक है कि चौड़े टायर डलवा लो चौड़े टायर, तो कंपनी ने सुन लिया इसके अंदर कि लो भाई चौड़े टायर, इसके अंदर इस सेगमेंट का सबसे चौड़ा टायर आता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो 160 mm का टायर वाक्य में कितना चौड़ा होता है, तो भाई इतना अच्छा खासा चौड़ा टायर इसके अंदर ऑफर किया गया है कंपनी ने, तो बहुत चौड़ा टायर है भाई इसके अंदर। वहीं 17 इंच के एलॉय के साथ ये बाइक आती है, और इसका जो फ्रंट का है वो भी 17 इंच का है। mm मेरे को एग्जैक्ट है याद नहीं है कि ये कितने mm का टायर है, और वहीं ट्राइम स्पीड 400 में 17 इंच का टायर है, रियर भी 17 इंच का एलॉय व्हील के साथ ही आती है, और फ्रंट में भी इसके 17 इंच का एलॉय है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 150 है। तो ये था टायर साइज़ को लेके। तो टायर के वाइज अगर मैं बात करूँ तो ट्राइम स्पीड 400 मैंने 14000 किलोमीटर चला चुका हूँ एक साल में, अल्फा H1 मेरे जो स्ट्रोक आए थे वही यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक कुछ इतने खास घिसे नहीं है। तो टायर वाइज अभी मैं इसका बता सकता हूँ कि इसके टायर अपोलो वाले अल्फा H1 अच्छे हैं, टायर्स हैं इसके, अभी हम आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे कि अच्छे हैं बुरे, थोड़ा और चला के यूज़ करके फिर हम आपको बताएंगे। अब मैं अपने 20वें पॉइंट की बात करता हूँ कि आजकल क्या है कि ऑन दी गो मोबाइल चार्जिंग सबको चाहिए, तो जो चार्जिंग है मैं बताता हूँ कि इसके अंदर भी टाइप सी चार्जिंग है, और प्लेसमेंट कहाँ है वो देखो, थोड़ा सा इसमें अच्छा सा डीप सा है, यहाँ पे टाइप सी का है, ठीक है। और वहीं आपको गरिलिया में दिखाता हूँ कि थोड़ा बहुत अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन पे वो लोकेट कर दिया कंपनी ने, तो गरिलिया में भी टाइप सी ऑफर किया गया है वो देखो यहाँ पे है। वहीं ट्राइम स्पीड और ये यहाँ पे भी क्या है कि ये ऑटोमेटिक बंद होता है इसे छोड़ते ही। वहीं ट्राइम स्पीड 400 में तो केवल एक रबड़ का आपको मैं दिखाता हूँ कि वो नॉक्सी है, वो आपको खुद दोबारा करनी पड़ेगी, ये सेल्फ ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये देखो ऐसे, अब ये मैंने खुद से ही बंद करा है, उसमें क्या है वो ऐसे स्प्रिंग है तो अपने आप बंद हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें रॉयल इनफील्ड ने गरिलिया में जो कंफर्ट के लिए इसी चीज़ पे R&D लगती है, और इसी चीज़ का पैसा रॉयल इनफील्ड इस बाइक में ले रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट भाई। तो चार्जिंग दोनों में टाइप सी है, और अलग अलग जगह लोकेट है दोनों की चार्जिंग पोर्ट। तो अब 21वें पॉइंट की बात करते हैं, तो दोनों बाइक में राइड बाय वायर ऑफर किया गया है। तो अब मैं इसके जो राइड बाय वायर में एक इशू फेस कर रहा हूँ वो क्या है कि जब इंजन कूल होता है, और मैं इसका राइड बाय वायर एक बार क्लोज आना कि राइड बाय वायर जो यूज़ कर रहा हूँ और ऐसे में इसको रिलीज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लैग आ रहा है,
मैंने रॉयल इनफील्ड की मैंने एक दो वीडियो और देखी थी, वो सबको आ रहा है, तो लोग वो बोल रहे हैं कि इसका इसी अपडेट से थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा रॉयल इनफील्ड, तो वहीं इसका राइड बाय वायर कैसी क्वालिटी है भाई, टॉप क्लास है। इंजन गर्म हो या ठंडा हो, ये ऐसे करते ही तुरंत आपको पंच फील कराएगी। वहीं इसके में थोड़ा सा क्या है कि स्टार्टिंग में इंजन कूल होता है, तो राइड बाय वायर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो कम रिस्पॉन्सिव, थोड़ा हल्का सा लैग फील हो रहा है, बट एक ऑप्टिमम टेम्परेचर अचीव करने के बाद वो इशू नहीं आ रहा है। तो ये एक जो डिफरेंस है इसमें मैंने दोनों बाइक्स में नोटिस किया। तो अब हम तो मैं अपने 22वें पॉइंट में बात करता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी इसके अंदर की गई हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, और इसके अंदर वो ट्राइम्प ने ध्यान नहीं दी, क्योंकि ये बाइक्स क्या होती हैं 400 सीसी कोई लेके जा रहा है तो लॉन्ग राइड्स इन पे ऑब्वियस सी बात है करेगा। तो ट्राइम्प स्पीड 400 के अंदर लगेज को टाइप करने के लिए आपके अंदर इस टाइप से कोई भी स्लॉट प्रोवाइड नहीं किया गया है कि आप प्रोडक्ट को आप अपने लगेज को टाई करें। तो वहीं अगर आप इसमें ग्रीलिया में जाएंगे तो ग्रीलिया में बहुत एडवांस, जैसे हिमालयन में अलग से टाई करने के लिए एसेसरीज प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर किया गया है कि आप यहाँ से ये देखिए और आप अपनी जो लगेज वगैरह है वो पूरा टाई अप इस पे कर लें। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक्स्ट्रा इसके अंदर ऑफर की गई हैं ग्रीलिया में, तो ये बहुत कंफर्टेबल कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए कस्टमर को ये छोटी छोटी चीज़ें, यही जो हम डिफरेंसेस हैं जो नोट कर रहे हैं और जो कस्टमर को प्रोडक्ट लेने के लिए उस साइड इंक्लाइन करेंगे। तो एक पॉइंट और जो हमने नोटिस किया इस बाइक के, इन दोनों बाइक्स के अंदर, वो है कूलेंट बॉक्स कहाँ है। भाई इसका कूलेंट आपको रिफ़िल करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, आपको कोई ताम झाम खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कूलेंट बॉक्स इसका आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से आप कूलेंट इसमें रिफ़िल कर सकते हैं, ये रहा नीचे की तरफ, ठीक है। अब ग्रीलिया के लिए आपको एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, वो एफ़र्ट्स में क्या क्या है आपको एफ़र्ट इंक्लूड है, आपको ग्रीलिया के लिए यहाँ एक्सेस करना पड़ेगा, ये खोलना पड़ेगा, इसके नीचे इसका कूलेंट बॉक्स है जो आप फिल करेंगे। तो ये है कि कूलेंट बॉक्स की पोजीशन कौन सी बाइक में कहाँ है। तो अब हम रेडिएटर को लेके क्या चल रहा है कि रेडिएटर इसका राइड बाइक की जो रेडिएटर कैप है वो एक इशू क्रिएट कर रहा है। देखो जो रेडिएटर कैप है वो इसका इस साइड है, देखो राइडर का कोई फिक्स नहीं है कि वो क्रैश करेगा तो वो क्या पता राइट साइड ही क्रैश कर जाए बाइक, और अगर आप यहाँ लेग गार्ड भी लगवाएंगे क्या पता फिर भी वो ये चीज़ हिट कर जाए और सारा कूलेंट बाहर रिलीज़ हो जाए। तो ये एक थोड़ा सा लगा है कि फेवर में नहीं है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीलिया में। वहीं रेडिएटर कैप ट्राइम स्पीड 400 में आप देखेंगे तो रेडिएटर की जो कैप है कूलेंट की वो यहाँ मोस्टली बाइक्स में यहीं प्लेस होती है, तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा। वहीं उसमें ग्रीलिया में थोड़ा सा रिस्की है कि बाई चांस आपका राइट साइड क्रैश हो गया है और आपने अभी क्या है कि फ्रेश बाइक है, जैसे हमने अभी लेग गार्ड वगैरह नहीं लगवाए हैं तो वो कैप खुल क्रैश की वजह से खुलने का खतरा है। तो ये था एक जो पॉइंट हमने नोटिस किया इन दोनों बाइक में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं 24वें पॉइंट पे आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा एग्जॉस्ट। देखो पहले ट्राइम स्पीड 400 का आपको मैं दिखाता हूँ कि एग्जॉस्ट यहाँ से लेके वहाँ एंड तक अच्छा खासा ह्यूज और वाइड एग्जॉस्ट है और पूरी कवरिंग है एग्जॉस्ट पे, ठीक है। वहीं आप ग्रीलिया में जाएंगे तो छोटू सा एग्जॉस्ट है, साउंड अच्छी क्रिएट करता है, बट वहीं यहाँ पे ये नेकड है, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है, कहीं बच्चा वगैरह का कहीं हाथ लग जाए या बाइक आप हाई राइड अच्छे खासी राइड करके आए हैं तो बाई चांस शूज़ वगैरह लग जाए, तो यहाँ से थोड़ा सा नेकड है, तो ये थोड़ा सा मेरे को अनइवन लगा कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कवरिंग दे देते तो परफेक्ट चला जाता। बाकी एग्जॉस्ट नॉट वगैरह जो है आप यूट्यूब पे बहुत वीडियो देख सकते हैं, बट हम यहाँ सेफ्टी कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वीडियो दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो सुना रहे हैं, वो वीडियो दिखा रहे हैं। और अब हम आपको एक एग्जॉस्ट नॉट और सुनाएंगे दोनों बाइक्स का, एक साथ बाइक स्टार्ट करेंगे और फिर एग्जॉस्ट नॉट आप सुनना, आपको पूरा पता लग जाएगा कि किसका एग्जॉस्ट नॉट कैसा है। एग्जॉस्ट नॉट सुनना और मैं ट्राइम्प को भी साथ के साथ चला ही देता हूँ। तो ग्रीलिया एग्जॉस्ट, आप एग्जॉस्ट की आवाज कैसी आ रही है? अब दोनों बाइक्स के आप इसके हम ट्राइम की सुनाऊंगा आपको। तो ट्राइम का कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि ज्यादा बेसी है एग्जॉस्ट और ये तो
सा कम बेसी है, वहीं ट्राइम का थोड़ा सा अच्छा खासा बेसी हमें लगा। तो ये था आप दोनों बाइक का, आपने एक साथ सुना कि कैसा एग्जॉस्ट साउंड कर रहा है। अब मैं अपने 25वें पॉइंट पे बात करता हूँ कि मैंने क्या नोटिस किया दोनों बाइक में। एक चीज़ जो रियलिटी में आपको भी नोटिस करनी चाहिए ये बाइक दोनों के टेस्ट राइड लेते समय, हम तो केवल इसलिए बता रहे हैं कि आप ये पॉइंट्स नोट करें और चेक करें कि हम झूठ बोल रहे हैं सच, और ये इन बातों पे आप ध्यान दें। तो इसके जो मिरर्स हैं, अगर आप 110-120 लेके जाते हैं तो ये मिरर्स मुड़ जाते हैं और इनमें वाइब्रेशन अच्छा खासा है दोनों मिरर्स में, इसके गरीलिया के में। और वहीं ट्राई स्पीड 400 के 12 मिरर्स, मैं कह रहा हूँ कि मक्खन टॉप क्लास क्वालिटी इनकी, इनमें 1% भी आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगी, ना ये है कि हवा में एकदम मुड़ रहे हैं ऐसा टाइप, सच ऐसी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। तो ये जो एक प्रॉब्लम मैंने नोटिस की गरीलिया में, और ये ट्राई स्पीड 400 में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके 12 मिरर्स में। तो मैं अपने 26वें पॉइंट पे बात करता हूँ भाई, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस टाइम YouTube पे कहीं पे भी आपको, क्योंकि एक तो रेनी सीज़न चल रहा है, मॉनसून है, ऑब्वियस सी बात है, तो कोई भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब ट्राइम रिलीज़ हुई थी तब थोड़ा सा विंटर थी। तो क्या है कि अब मैं बात करता हूँ कि हीटिंग की, जो पूरे YouTube पे दोनों बाइक्स को लेके कहीं पे भी बात नहीं, जब ये रिलीज़ हुई तब तो लोगों ने बहुत पूछा कि हीट कितना है, अब इसके बारे में ये कोई बात नहीं कर रहा हीटिंग की। तो देखो अभी हीटिंग की जो ओवरव्यू है, मैं अपना इसके बारे में अभी आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको और रन करना चाहता हूँ और इससे डिस्टेंस कवर करना चाहता हूँ कि 700-800 किलोमीटर इसको लगातार ही चला लूँ मैं, कम से कम तो 300-400 लगातार मैं इसको एक दिन में चलाऊँ और वो भी कंटिन्यूस राइड करूँ, तब मैं आपके इसको इसके बारे में बताऊँगा कि इसमें हीटिंग कहाँ फील हो रही है कहाँ नहीं, और इसके जो रेडिएटर की फैन है उसकी नॉइज कितनी है इसके अंदर, क्या वो इंजन के इंजन से अबव इंजन की जो नॉइज है उससे हाई चली जाती है। वहीं अब मैं इसके बारे में आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ ना हीटिंग की अभी। वहीं ट्राई स्पीड 400 14,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, हर विंटर में समर में हर तरह से निकल चुका हूँ, इसकी हीटिंग के बारे में बताता हूँ। तो अब हीट जो है आपको वो कहाँ फील होगी, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि हीट फील कहाँ हो रही है ट्राई स्पीड 400 में। ये आपको कोई बात नहीं बताएगा यूट्यूब पे, 15-15 मिनट की वीडियो भाई डाल के देख के कोई फ़ायदा नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन दो। ट्राई स्पीड 400 में आपको हीट यहाँ पे आपकी लेफ्ट थाई में फील होगी, ठीक है, तो ये यहाँ से आपको फील होगी हीट निकलती ही अलग से ही, राइट में आपको कुछ ऐसा इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। और अब मैं साउंड की बात करता हूँ कि इसका जो रेडिएटर फ़ैन है वो इंजन से भी ज़्यादा साउंड करता है, क्योंकि बहुत बड़ा रेडिएटर फ़ैन इसके अंदर दिया गया है, इतनी हाई कैपेसिटी इतनी हाई सीसी की बाइक को ठंडा करने के लिए, तो इसका जो रेडिएटर फ़ैन है वो इंजन से ज़्यादा नॉइज़ करता है। जब आप रेड लाइट पर रुकेंगे तो लोग पूछेंगे ये क्या साउंड आ रही है, और जो एयर फ्लो है गर्म जो हवा ये फेंकेगा वो उसका फ्लो किस साइड है, वो क्या इस साइड है किस साइड है, तो जो ये इसका रेडिएटर फ़ैन हवा फेंक रहा है वो ऐसे फेंक रहा है, तो इस साइड साइड वाले के जो आपके खड़े होंगे रेड लाइट पे उनको सरासर हीट फील होगी कि भाई ये हीट कैसे आ रही है। तो ये है एक बात जो ट्राई स्पीड 400 के बारे में बता सकता हूँ, अभी इसके बारे में कुछ ऐसा हीटिंग को लेके नहीं बता सकता हूँ कि इसमें कितना हीट है और क्या नहीं। तो ये था मेरा हीटिंग को लेके एक एक्सपीरियंस, ट्राई स्पीड 400 का बता दिया, अभी इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, हम एक अलग से वीडियो डालेंगे हीटिंग की इसकी और रेडिएटर फ़ैन की नॉइज़ वगैरह की। तो अब हम अपने 26वें पॉइंट पे बात करते हैं कि इनका नामकरण क्या किया गया है दोनों इंजन का। ये है TR सीरीज़ का इंजन, यहाँ पे आपको इसकी ब्रांडिंग मिलेगी TR सीरीज़ 400cc। वहीं ये है वही हिमालयन वाला 450 शेरपा इंजन, तो शेरपा मींस वन वू बिलोंग्स फ्रॉम दी माउंटेन फैमिलीज़, तो ये प्रॉपर जो स्टांस दे रहा है ये वही है हिमालयन में भी जो ऑफ़र किया गया है, बट ये DLC कोटिंग के साथ ऑफ़र किया गया है जो